बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए मल्लीनाथ भगवान की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमा सागर जी महाराज की, परम पूज राय सागर जी महाराज की, इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्यजनों एवं पारस के माध्यम से अपने घरों में विराजमान होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधि श्रावकों सम्यक दर्शकों, आज हम पुनः एकत्र हैं गुरुदेव के समक्ष, जिनसे हम ही नहीं अपनी सारा संसार अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन कर पा रहा है। एक गुरुदेव हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य महामनमराज प्रमासागर जी, जो गुणाधन के प्रणेता, शंका समाधान के प्रवर्तक, भावना योग के प्रवर्तक एवं संप्रदायक समय के रूप में संसार में विख्यात हैं, जिनके श्रीमुख से आप अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई ऊर्जा दे पाते हैं। आज पुनः हम गुरुदेव के समक्ष उपस्थित होकर अपनी शंकाएँ प्रस्तुत करें, समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं चाहता हूँ कि गुरुदेव का वरद हस्त हम सब पर आच्छादित हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। भवजनों, बहुत निकट हुआ समय जबकि गुणायतन विश्व को लोकार्पित होगा, और जब लोकार्पित होगा तो दुनिया दांतों तले उंगली दबाकर कहेगी वाह क्या है जैन धर्म। और इस क्या है जैन धर्म शब्द को सुनने के लिए, सुनने में कारण बनेंगे आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय, आपने जो धन गुणाधन के लिए अर्पित किया है, जिससे अनुपम कृति तैयार हो रही है, उसके लिए आज पुनः बहुत से लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए हैं और गुणाधन से अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन किया है, अपने जीवन के इन अर्जना को स्वर्णिम बनाया है, अतः मैं उनके नाम उच्चारित कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप उनकी मदद करके और भी लोगों को प्रेरित करें। आज गुणाधन के निर्माण निधि के रूप में श्रीमती सरला रमेश कुमार जी वारिया नागपुर संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां बजें। श्री विवेक जी, श्री सुनील कुमार जी कतरासगढ़, इन्होंने अपने आप को गुणाधन के निर्माण निधि के रूप में जुड़कर के संबद्ध किया है, धन बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, श्री मंजू जी जैन सिंधु जैन बागपत, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है, बहुत बहुत साधुवाद। यदि उपस्थित हों तो मंच में आ जाएं, गुरुदेव की अवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका हम सम्मान करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में निर्माण निधि से अपने आप को बद्धिमगत किया है श्रीमती प्रतिभा जैन धर्मपत्नी डॉक्टर एन के जैन दिल्ली में, वे आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान, आ जाइए श्रीमान कपूर जी जैन कोटा, एवं श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन, आए शिक्षक सम्मान करें, आप तालियां लगातार बजते रहें। इन्होंने ऐसा काम किया है जो गुणाधन के निर्माण में कारण बन रहा है, जो अपने भाव व्यक्त करके अपने जीवन को, अच्छा, और एलिकल्स के लिए अपनी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए आइए, अभी SP जैन साहब का यहाँ जो सत्कार किया जा रहा है, SP जैन साहब, ID जैन साहब, NK जैन इनके भाई हैं, मैं साथ ही साथ एक ही साथ सबका बोल देता हूँ, ये लोग इस उम्र में भी बड़े उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, यहीं से इस उम्र में भी बहुत उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे के पूरे यहाँ का जो इलेक्ट्रिकल है उसकी कंसल्टेंसी इनकी कंपनी गुणायतन को निस्वार्थ भाव से दे रही है। और आज SP जैन ने अपना मन बोला, महाराज यहाँ का काम देख करके मुझसे रहा नहीं गया, मेरी इच्छा है कि मैं ट्रस्टी बनना चाहता हूँ, सुबह से मुझसे मिले और आज ये बन रहे हैं, मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है इनके लिए। चलिए सम्मान करिए श्रीमान अंकुश जैन, सम्मान का श्रीमान सुनील जी, एवं श्रीमान सुनील जी CFO गुणायतन देहरादून, श्रीमान कपूरचंद जैन कोटा, सम्मान करके आप तालियां बजाएं आपकी सम्मान के लिए। निर्वाण स्तंभ के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है श्रीमान अंकुश जैन, श्रीमती गुंजन जी जैन, कुशाग्र उदयचंद जैन, बीना उमेश चंद जी जैन, अमिता जैन वहराइचरे, वे अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनका सम्मान करने के लिए आए श्रीमान NL जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन, श्रीमान प्रद्युम्न जी, डॉक्टर प्रद्युम्न जी वास्तुविद दिल्ली,
आइए श्रीमान बहराइच से श्रीमान अंकुश जी, गुंजन जी, कुशाग्र जी, उदयचंद जी, बीना जी, उमेश चंद जी, अमिता जी सिकता से आ जाएं, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं है संस्थापक बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे। आज हमारे बीच में हमारे बीच में आज शुद्ध संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने अपने आप को वृद्धिंगत किया है, श्री सुभाष जी झांझरी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी, कमला देवी झांझरी, शोभाकांक्षी सुजाता सुभाष झांझरी, शक्ति सुभाष झांझरी, सी ए तेजल हर्षिल जैन, डॉक्टर पूजा सुभाष झांझरी पुलगांव वर्धा से, वे आए परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब एवं श्रीमान डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तुविद दिल्ली। शिक्षा से आइए आप प्लीज, और आपकी तालियां लगातार बजते रहिए। इनके सम्मान में जब तालियां बजेंगी आप उत्प्रेरित करेंगे अन्य लोगों को। इन्होंने अपने आप को संस्थापक सदस्य के रूप में जोड़ करके एक अद्भुत योगदान प्रदान किया है। आइए सामने आइए श्रीमान सुभाष जी, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करते हुए। और आज श्रीमान एसपी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, वरुण जी, प्रियंका जी, सम्यक जी, स्वस्ति जी नई दिल्ली, श्रीमान संदीप जी, अल्पना जी, नमन पलक जैन दोहा कतर, डॉक्टर विजय, डॉक्टर नीलम, इरा जैन, विमान जैन ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भी एसपी जैन के साथ अपने आप को गुणान संबद्ध किया है संस्थापक सदस्य के रूप में। और इनका सम्मान करने के लिए प्रकाश जी सेठी रांची से हमारे बीच में भी आए, शिक्षक पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव चरणों का वंदना करें। श्रीमान प्रकाश जी सेठी रांची से उपस्थित हों सम्मान करने के लिए, आपकी तालियां निरंतर बजती रहें सम्मान के रूप में। श्रीमान प्रकाश जी सेठी रांची गुणायतन ट्रस्टी संरक्षक गुणायतन, श्रीमान प्रकाश जी सेठी अनन्य गुरु भक्त एसपी जैन साहब का सम्मान करें। श्रीमान एसपी जैन साहब दिल्ली से अपने परिवार के साथ गुरुदेव चरणों की वंदना करने के लिए उपस्थित हों, आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान करता श्रीमान प्रकाश रंजी सेठी रांची, और आज जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी से गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक के रूप में संबद्ध किया है, जो इस गुणायतन के एक मेरुदंड के रूप में जो रहे हैं, वे हैं सतना नगर से अनन्य मुनिभक्त श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती ऋचा जी, आशीष जी, अनामिका जी, महावीर ज्वेलर्स सतना। बहुत ताइयाँ लगातार बजती रहे, इन्होंने ऐसा अनुपम कृत्य किया है जो बहुत बहुत श्लाघनीय है। हम इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान गुणायतन के श्रीमान संरक्षक पुष्पेंद्र जी, सविता जी जैन को बाना से, एवं इनके साथ सहयोग करेंगी श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से गुणायतन की महामंत्री और ट्रस्टी गुणायतन, चंद्रिका जी पाटनी इनका सम्मान करने के लिए पहुंचे। पीछे से आइए, आपकी तालियां लगातार बजते हैं सब परिवार जिन्होंने अपने आप को आज अभी जिस परिवार का यहाँ शिरोमणि संरक्षक के रूप में सत्कार किया जा रहा है, ये वर्षों से जुड़ा हुआ परिवार और हर कार्य में अग्रणी भूमिका रखने वाला परिवार, आज विजय कुमार जी की 47वीं वैवाहिक वर्षगांठ है और आज ये मन बना करके आए कि हमें आज इस रूप में जुड़ना ही है, ये एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है और हमें ऐसे लोगों की बहुत बहुत अनुमोदना करना चाहिए। मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, और अभी अभी ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध हुए गुणायतन से जो निर्माण सारथी थे, अब ट्रस्टी ग्रुप में अपने आप को वृद्धिंगत कर रहे हैं श्रीमान अमित जी जैन, सुपुत्र श्री सतीश कुमार जी जैन, श्री अतुल जी, प्रियांश कसिक जैन रामगंज मंडी राजस्थान से, इनका सम्मान अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए डॉक्टर अभय जी जैन सागर से, उनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों, और श्रीमान कपूर जी कोटा, इनका सम्मान कर राजस्थान से, राजस्थान के व्यक्ति सम्मान करने के लिए पहुंचेंगे। तालियां आपकी लगातार शांत नहीं बैठे हैं, लगातार आपकी तालियों की ध्वनि निकलती रहना चाहिए, आपकी अनुमोदना का आपको पुण्य तो मिलना ही मिलना है।
और अब मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों में ले चलता हूँ। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दिल्ली से आज जो ट्रस्टी ग्रुप में जुड़े हैं श्रीमान SP जैन को, अपने परिवार के साथ आए, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, समाधान प्राप्त करें और हम सब उनसे ऊर्जा प्राप्त करें। इसके और तैयार रहेंगे श्रीमान सुभाष जी झान जी, जो आज पुलगांव महाराष्ट्र से ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ करके जीवन धन्य कर रहे हैं, अपना प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सुभाष जी झांझरी अपने परिवार के साथ। बंधु जब तक ये प्रश्न करें उसके पूर्व में आपको सूचना और दे दूं कि दो दिन से बीच है 8 और 9 और परसों यानी 10 तारीख से परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम इसी जगह पे अद्भुत कार्यक्रम जो दुनिया देख देख करके दंग होती है, उत्साहित होती है, क्या है कैसा है, मूल संस्कृत विधान, संस्कृत का विधान, शिक्षक विधान जो गुरुदेव के सानिध्य प्रारंभ हुआ और अनवरत चल रहा है, लगातार हर कार्यक्रम किया जाता है, यहाँ प्रारंभ होगा 24 मंडली विधान होगा। उसके लिए बहुत से लोग अपनी भाव व्यक्त कर रहे हैं, अपनी राशि अर्पित कर रहे हैं, द्रव्य उत्पादन के लिए, पूजन सामग्री के लिए, अन्य अन्य प्रकार से भोजन के लिए प्रदान कर रहे हैं। आप भी इसमें सहभागी बन सकते हैं, आप पूजा में बैठ सकते हैं, अभी भी अवसर है आपके समक्ष। कोलकाता श्रीमान शांतिलाल जी, संजय कुमार जी, गुणमाल जी, पाटो जी परिवार ने 31,000 की राशि पूजन सामग्री हेतु प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। इंचल बेलगवी से श्रीमती आरती हर्षवर्धन जैन परिवार, इन्होंने 11,000 की राशि। भोपाल से नवनीत जी, श्रीमती आशा गोधा, इन्होंने 11,000 की राशि। और हमारे बीच विराजमान है परम संरक्षक गुणायतन के श्रीमान राकेश जी, रसनी जी जैन इंदौर से आए, गुरुदेव चरण का अभिनंदन करें, इन्होंने अद्भुत कार्य किया है। 108 किलो बादाम, 1 क्विंटल 8 किलो बादाम इस आयोजन के लिए प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है। आइए श्रीमान राकेश जी, रजनी जी जैन, परम संरक्षक गुणायतन, तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका और उनके सम्मान करने के लिए इनका सम्मान करें। श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन, सुभाष जैन गुणायतन एवं सिद्धार्थ जी काशनीवाल मुख्य प्रशासक गुणायतन। और प्रश्न के लिए प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान SP जैन साहब, तैयार रहेंगे झांझरी जी। गुरु जी, मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। गुरु जी, ये ऊर्जा मुझे यहाँ आते ही आपके दर्शन करने के बाद प्राप्त हुई है। जब मैंने ये प्रोजेक्ट्स का खुद जाके देखा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा हमारे गुरुजी को बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक सारा ज्ञान है। इस तरह से मैं खुद इंजीनियर हूँ तो मैंने जिस तरह से थोड़ी सी चर्चा की उससे पता लगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और ये प्रोजेक्ट जो थीम पार्क है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। गुरु जी, मेरा सिर्फ एक सवाल छोटा सा है कि अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में MP के इलेक्शन हुए, उसमें जो MP जीता उसने अपनी खुशियां किस तरह मनाई, बड़ा दुखदायक है। उसने क्या किया, एक कबूतर में वो फटाका बांध दिया और उड़ा दिया, तो वो देखते ही वो सीन अंदर से बहुत दुख होता है। तो इस तरह का सीन कोई आए तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, कोई जीतता है उसे खुशी मनाना स्वाभाविक है, खुशी मनाए, पर इस तरह से क्रूरतापूर्वक अगर कोई खुशी मनाता है तो ये बहुत निंदनीय कृत्य है। हम लोगों को जब भी कहीं ऐसी कोई बात हो तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उसकी पुनरावृत्ति ना करें और वो भी हतोत्साहित हों, उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक सांसद जैसे चुनाव को जीतने वाला व्यक्ति जो कल जनप्रतिनिधि बनकर के संसद में समाज का प्रतिनिधित्व करेगा, वो व्यक्ति ऐसा कृत्य करने लगे तो समाज में क्या उदाहरण प्रस्तुत होगा, हमें इसकी घोर निंदा करनी चाहिए। उपस्थित श्रीमान झांझरी जी पुलगांव महाराष्ट्र से जो ट्रस्टी गुणायतन हैं, तैयार रहेंगे श्रीमान डॉक्टर अभय जैन नेहनगर मकरोनिया सागर। दोनों महाराज जी के चरणों में नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। महाराज जी, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कार्य के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, पर यहाँ तो देखा जाता है कि अच्छा कार्य करने वाले को भी बुरा सुनना पड़ता है,
कितना भी अच्छा क्यों ना करे, पर ऐसा क्यों होता है महाराज? नमस्ते महाराज। कभी दिया जलाया? जलाया। तो दिया जलाने में ज्योति उठी? होती है। धुआं निकलता है? जी महाराज। बिना धुआं के ज्योति उठी? बोलो बोलो कहीं। अच्छा कार्य करने का मतलब है दिया जलाना, पर यह ध्यान रखना जितना दिया जलेगा धुआं भी उतना उड़ेगा। हमारा उद्देश्य दीप के प्रकाश को फैलाने का होना चाहिए, धुएं की तरफ दृष्टि मत रखो। आलोचना से घबराओ मत, आलोचना होगी। अगर कोई आलोचना करता है उस पर विचार करो, अगर उसकी आलोचना सही है तो अपने जीवन में सुधार करो, और यदि उसकी आलोचना गलत है नज़रअंदाज करो, आगे बढ़ो। जो आगे चलता है आलोचना उसकी ही होती है, जो निठल्ला बैठा रहता है उसकी क्या आलोचना हो। इसलिए घबराइए। नमस्ते। उपस्थित डॉक्टर अभय जी जैन सागर से तैयार हैं, श्रीमान इंजीनियर अजय कुमार जी जैन, श्रीमती बिमला जी जैन धनवंती नगर में पसारी मढ़िया जबलपुर से, एक साथ आ जाएं दोनों ही एक प्रश्न के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारामान नमोस्तु। हमारे जीवन उत्थान के प्रेरणा दायक हमारे गुरुवर हमारे लिए हमेशा आत्मोन्नति देते रहते हैं, और मैं समय समय पर जितना समय देता हूँ आता हूँ, मुझे पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। हे गुरुवर द्वाय के चरणों में बार बार त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, दोस्त, किताब, रास्ता और सोच, इन चार साधनों का जीवन में किस तरह से उपयोग करें, क्योंकि यह जीवन को गुमराह भी कर सकते हैं और जीवन बना भी सकते हैं। तो हे गुरुवर, जीवन को सफल कर सकूं कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच हमारे जीवन के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हमारे जीवन को गुमराह भी कर सकते हैं, तो इन्हीं पर हमारा जीवन सफल भी हो सकता है। आपने पूछा है कि इसमें हम कैसी सावधानी रखें। मैं कहूँगा अपनी सोच को अच्छी रखो। सोच अच्छी होगी तो बाकी सदैव सब बातें अच्छी होगी। रास्ता का चुनाव करते समय देखो कि यथार्थ रास्ता है कैसा। अंधानुकरण से बचो, अब परिणाम को सामने रखते हुए चलो। किताब चुनो, पर वही जो तुम्हारे विचारों को स्पंदित करे, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई अच्छी प्रेरणा मिले। किताब के कलेवर को मत देखो, उसके अंदर के तथ्यों को देखो। कई बार किताबें देखने में तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन अंदर सब गड़बड़ होता है, और कई किताबें ऐसी होती है जो देखने में ऐसी हैं लेकिन जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती। किसी ने कहा, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, मुझको उसी किताब ने जीना सिखा दिया। फिर बात है दोस्त की, किसे दोस्त बनाए, वही उसे ही दोस्त बनाओ जो तुम्हें सकारात्मक प्रेरणा दे, जो तुम्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करे और गलत रास्ते से रोके। उसे अपना दोस्त बनाओ, जो तुम्हारे हित की बात सोचे उसे तुम अपना दोस्त बनाओ, जो केवल तुम्हारी खुशियों का ख्याल रखे उसे भूल करके भी अपना दोस्त मत मानो। यदि ये सावधानी रख करके चलेंगे तो हमारा जीवन कहीं से नहीं भटकेगा। इंजीनियर अजय कुमार जी जैन और बिमला जी जैन, प्रकाशन जी जैन धर्मनगर जबलपुर एवं मढ़िया जी से उपस्थित हूँ। उसके पूर्व हमारे बीच में आज जिन्होंने अपने आप को स्तंभ के रूप में गायतन संबद्ध किया है वह परिवार आ चुका है, श्रीमान अंकुश जी, श्रीमती गुंजन जी, कुशागर जी, उदयचंद जी, बीना जी, उमेश चंद जी, बहिराइच उत्तर प्रदेश से आए। गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें इनका सम्मान करने के लिए। दीपक जी, अलका जी सेठी, ट्रस्टी गायतन कोलकाता, इनका सम्मान करने के ऊपर आइए, आप लोग आइए,
नमोस्तु कीजिए, महाश्री नमोस्तु कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और सम्मान करने के लिए कोलकाता श्रीमान दीपक जी, अलका जी सेठी, ट्रस्ट गुणायतन आइएगा। जब तक सम्मान का तय बजे तक आप सम्मान प्रस्तुत करें, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें, तैयार रहें। जैन समाज और मेरे पूरे परिवार तैयार हैं। कुशाग्र जी की चरण दो महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न है, जीवन एक गणित है, सांसें घटती हैं, अनुभव जुड़ते हैं, अलग अलग कोष्टकों में बंद हम बुनते रहते हैं समीकरण और लगाते रहते हैं गुणा भाग, फिर भी इंसान जीवन के इस गणित में फेल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जीवन के गणित में फेल कौन होता है? जो जीवन को ठीक तरीके से नहीं समझता। जो ठीक तरीके से समझता है वो कभी फेल नहीं होता। गणित कैलकुलेशन पर चलता है और कैलकुलेशन हमारी समझ पर अवलंबित होता है। यदि हमारी समझ सही है तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए हम जीवन की सही समझ विकसित करें ताकि सही कैलकुलेशन हो सके। ओ बिमला जी, आज इन्होंने गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए इन्होंने आज सोना और चांदी प्रदान करके जीवन को धन्य किया। एक प्रश्न और कर लें जल्दी से, और तैयार हैं कुशांग जैन बहराइच से। सीखता कीजिए। सम्मान करता श्रीमान दीपक जी, अलका जी जैन कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन, आ जाएं, सम्मान करें बहराइच से उपस्थित श्रीमान अंकुश जी परिवार का। और आपकी तालियां सम्मान में निरंतर बजती रहें, तालियां अवश्य बजाया करो, जय अवश्य बोला करो। ये दोनों चीजें आपके जीवन में जय शील बनाएंगी और आपके जीवन उन्नत करेंगी। सम्मान करना है अलका जी, दीपक जी, अलका जी सम्मान कीजिएगा। प्रश्न कीजिए कुशाग जी जैन, बिमला जी प्रश्न कर चुकी, कुशाग्र जी बोलिए, तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु, और ऐसा कहा जाता है कि जो विष पीता है वही महादेव कहता है, परंतु अगर कोई कहे कि तुमने वह विष क्यों पिया, तुम्हें पीने की क्या जरूरत थी, जो हो रहा था होने देते, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, विष पीने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विष आ गया तो उस विष से दूसरे न मरे। जो विष को पचाने की सामर्थ्य रखता उसे पी लेना चाहिए। वो इसलिए पिया कि और उस विष से बच सके, समझ गया? इसलिए विष को पीने की ही नहीं, पचाने की भी क्षमता रखो। अगर पचाने की क्षमता नहीं है तो विष पीना जानलेवा है, और पचाने की क्षमता है तो विषपान अमृतदायी है। शिव ने विष पिया, सारे जगत का कल्याण किया, तुम उसकी नकल करके पी लोगे, मर जाओगे, महापाप के भागी बनोगे। तो विष पीने की जगह विष को पचाने की क्षमता विकसित करो। आगे उपस्थित हूँ सिमरन जी सेठी, और तैयार हैं बबीता जी बिनायका उज्जैन मध्य प्रदेश से। सिमरन जी सेठी उपस्थित हो, सीखता के साथ तत्पर रहेंगी बबीता जी बिनायका उज्जैन मध्य प्रदेश से। बबीता जी बिनायका उज्जैन सीखता से आ जाए, तैयार हैं अनिल जी जैन सूतवाला, अंजू जी जैन सूतवाला इंदौर से। शिक्षक के साथ आ जाएं अनिल जी, अंजू जी जैन सूतवाला इंदौर। बबीता जी प्रस्तुत करें। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि कोई बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा करूं यह धर्म मेरा, तो महाराज जी श्री मेरा धर्म उसका धर्म कैसे बने ताकि कर्म भी धर्म बन जाए? आप अपने प्रश्न को थोड़ा सुधार लो। मुझे ऐसा लगता है आपका वाक्य में कोई चूक हुई। कोई बुरा करे ये उसका कर्म, मैं बुरा न मानूं ये मेरा धर्म, बाकी ये होना चाहिए, है ना? कोई किसी का बुरा करे ये उसका कर्म, मैं बुरा न मानूं ये मेरा धर्म, अथवा मैं औरों का अच्छा करूं ये मेरा धर्म, समझ गए? तो मेरा धर्म उसका कर्म कैसे बन जाए, उसके लिए क्या करे? बस एक ही काम करो, अच्छे आदर्श उपस्थित करें। कोई कितना भी बुरा कहे करे, उसे अपना कर्म मानकर स्वीकार लो
और उसे सहज रूप से स्वीकार करना, अपना धर्म मान लो, बुरा मत मानो, आज नहीं कल उसका हृदय बदलेगा और उसका कर्म कल उसका धर्म बन जाएगा। नमस्ते। उपस्थित हो अनिल जी, अंजू जी, जैन सुतारा इंदौर से, और आज हमारे बीच में अपने गुरुदेव के चरणों की अवंदना करने अनन्य मुनि भक्त श्रीमान सुरेंद्र बहादुर जी, पूर्व विधायक तेजगांव रायबरेली से अपने अग्रज श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमती शकुंतला जी कोलकाता के साथ उपस्थित हुए हैं, अपने मित्रों के साथ उपस्थित हुए हैं। वे मंच में आ जाएं, मंचासीन हों और गुरुदेव चरणों का अभिनंदन करें। हम इनका सम्मान करने के लिए तैयार रहेंगे गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन एवं नमोस्तु गुरुदेव। दोनों मुरी राजों के चरणों में मेरी बारम्बार नमोस्तु। गुरुदेव, हम जो ये सिद्ध चक्र विधान यहाँ करते हैं और जगहर में मंदिरों में करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है और इसका क्या फल मिलता है? देखिए, सिद्ध चक्र विधान की अपनी महिमा है और मैं नहीं समझता कि अब उसकी महिमा बताने की कोई विशेष आवश्यकता है। ये सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन की श्रेष्ठतम आराधना। एक मिनट, इधर इधर आ जाए। ये सिद्ध चक्र विधान हमारे जीवन की श्रेष्ठतम आराधना है और मैंने अनेक बार ये कहा है कि अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान का मनोभाव जरूर रखना चाहिए। ये जीवन भर के जो पाप हैं उन सूक्ष्म पापों के प्रायश्चित का एक आधार है। अनजाने में किए गए पाप के प्रायश्चित के लिए सिद्ध चक्र विधान करने का विधान हमारे यहाँ कहा जाता है। तो ये विधान चलता आया है, कई वर्षों से लोग विधान में शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और सिद्ध चक्र विधान अगर सिद्ध क्षेत्र में हो तो फिर कहना ही क्या, उसकी तो बात ही कुछ और हो जाती है। और सिद्ध क्षेत्र में भी यदि शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में हो तो फिर और ही बात है, और वह भी अगर अष्टानिका के पर्व में हो तो सोने में सुगंधी वाली बात है। ये महान अवसर आया है, बहुत सारे लोग उस विधान का मनोभाव लेकर यहाँ आए, बहुत दुर्लभता से अवसर मिलता है। आज ही मुझे मालूम पड़ा कुछ परिवारों में ऐसी घटनाएं घट गई कि उनको इन मौके में अपने विधान मंडल निरस्त करने पड़े, और आज जिनके भाग में था पहले कोई योजना नहीं थी, आज विजय कुमार जी सतना वाले आए, उनने विधान में अपना स्थान बना लिया, मंडल ले लिया। कई ऐसे हैं जो सोचते रह जाते कर नहीं पाते, और कई ऐसे होते जिन्हें अनायास ये अवसर मिल जाता है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, ऐसे अवसरों का हमें यथासंभव लाभ लेना चाहिए। आपने पूछा है कि यहाँ विधान करने में और घर में विधान करने में कितना अंतर है। घर में विधान करोगे तो केवल विधान मिलेगा, यहाँ करोगे तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र और गुरु की साक्षात ऊर्जा मिलेगी। मुझसे लोगों ने कई बार पूछा कि महाराज, आपका प्रवचन सामने सुनने में और टीवी में सुनने में क्या अंतर है? तो मैंने उत्तर दिया, उतना ही अंतर है जितना झरने का पानी पीने में और सप्लाई का पानी पीने में। झरने के पास जब पानी पियोगे तो तुम्हारे पांचों इंद्रियां तृप्त होगी, सप्लाई की पानी तो केवल गले को तर करेगा। हाँ, अगर जहां तक बने झरने पे जाकर के पानी पियो पर झरने तक पहुंचने की गुंजाइश ना हो तो प्यासे मरने से अच्छा है सप्लाई के पानी से अपना गला तर कर लो। जो लोग यहाँ आके लाभ ले रहे हैं, ले बहुत अच्छा लेते ही हैं, बहुत लोग हैं जो घरों में विधान करते हैं, बहुत लोग हैं जो मंदिरों में स्क्रीन लगा करके विधान करते हैं। ये मौका है, लाभ कहीं से भी ले, कृतकालित अनुमोदन से करे। पर उन लोगों से मैं कहूँगा जो अभी तक घर में ही लेते रहे हैं, वे थोड़े घर से निकलने का भी अभ्यास बनाएं ताकि अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित किया जा सके। आइए श्रीमान सुरेंद्र बहादुर जी, श्रीमती रंभा जी। अनिल, हाँ बोलो। एक प्रश्न था मेरा और ये जिज्ञासा सदैव रही है गुरुवर मेरे मन में कि कुछ धर्म के विषय में जो जानते हैं हम लोग तो बहुत कम जानते हैं, लेकिन मन में आज के इस समय को देखते हुए बहुत जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमको बताया जाता है कि भाई शनिवार के दिन शनि मंदिर जाते हैं बहुत सारे लोग,
दूसरे भगवानों की पूजा करते हैं, कुदेव भगवान की पूजा करते हैं, तो बोले शनिवार को आप जैन धर्म के हिसाब से आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजा कर लें, शुक्रवार है तो नेमिनाथ भगवान की कर लें, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की कर लें, क्या ये जैन धर्म के हिसाब से उचित है? मैं पूछता हूँ, ग्रह उतारने के लिए भगवान को पूछते हो कि परिग्रह उतारने के लिए करते? अगर इन सब को पूजने से सारे ये सब ठीक हो जाते तो इन्हीं की प्रस्थापना करने वालों के दिन गर्दिश में क्यों आते है ना? एक बाबा जो शनि देव का बड़ा उपासक था, नाम मुझे नहीं मालूम, कुछ साल पहले वो गिरफ्तार हुआ है ना, नाम आप लोगों को पता होगा, नाम मुझे नहीं मालूम क्या है, कालीचरण, हाँ अब नाम मत लो तो ही अच्छा है, सारे लोगों को पता, मुझे नाम याद भी नहीं है, पर ये सब चीज़ों का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो हमारा उद्देश्य भौतिक आकांक्षा से भरकर नहीं होना चाहिए, भगवान की पूजा का एक ही उद्देश्य बंदे तद्गुण लब्धे, आपके गुणों की उपलब्धि के लिए मैं पूजा करता हूं, शनि को उतारने के लिए मत पूजो, अपने परिग्रह के बोझ उतार दो, कुछ नहीं लगेगा, आ गई समझ में? और इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान को भी इस तरह के ग्रह नक्षत्रों से प्रेरित होकर के पूजना मेरी दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं है। भगवान को तो केवल भगवान की भगवत्ता से रीच कर पूजो, उनकी भगवत्ता को पाने के लिए पूजो, जीवन चमत्कृत होगा। नमस्ते। तेजगांव रायबरेली उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक श्रीमान सुरेंद्र महादुर जी, श्रीमती रंभा जी, अपने भाई श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमती शकुंतला जी कोलकाता के साथ गुरुदेव चरणों की अभिवंदना तो उपस्थित हुए हैं, आए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें। एक ऐसे अनन्य भक्त हैं, जब से गुरुदेव से जुड़े हैं तब से बिना मिस किए, बिना चूके प्रति वर्ष गुरुदेव के चरणों में अभिनंदन करने आना ही आना है। आप नमस्ते प्रस्तुत करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। इनका सम्मान करने के लिए मैं बुला रहा हूं, इनके परिवार का सम्मान करने के लिए गुणातन के मुख्य प्रशासक श्रीमान सेनंद कुमार जी जैन दुबई आए सीटर से, उनका सम्मान, आप आगे बढ़िए। श्रीमान सेनंद कुमार जी आइए, सम्मान करने के लिए सीटर से उपस्थित हों गुणायतन के मुख्य प्रशासक श्रीमान सेनंद कुमार जी जैन एवं CEO गुणायतन श्रीमान सुभाष जी जैन सीखता से पहुंचे, सुभाष जी नहीं है, एनएलजन साहब को सद्यक गुणायतन सीखता से पहुंचे और सम्मान करें पूरे परिवार का, गुणायतन के गुणों को महिमा मंडित करेंगे हमारे कोषाध्यक्ष एवं मुख्य प्रशासक गुणायतन, आपकी तालियां लगातार में ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच उपस्थित है जो जैनेतर होते हुए गुरुदेव चरणों की अभिवंदना के लिए निरंतर आते रहते हैं, ये सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, इनसे हमें इनके व्यक्तित्व को निहारना चाहिए, देखना चाहिए और पाना चाहिए। बोलिए ठाकुर जी प्रश्न करेंगे और इसके बाद प्रश्न करेंगे श्रीमान प्रकाश जयप्रकाश जी, श्रीमती शकुंतला जी कोलकाता, इनके बड़े भाई प्रश्न भी तैयार रहेंगे। कुर्सी में बैठ सकते जरा, और तैयार रहेंगे श्रीमान जय सिंह जी सेंगर रायबरेली उत्तर प्रदेश, साथ ही तैयार रहेंगे दिनेश सिंह जी कोलकाता एवं कृष्णा जी कोलकाता, श्रीमती सुजाता जी सुभाष जी सब तैयार रहेंगे। दोनों महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं आज कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, मैं आज उस स्थिति में नहीं हूं, मैं आज आपके पास पश्चाताप करने आया हूँ। लगभग 2 वर्ष का इधर गैप हो गया है और आपका हाथ हमारे ऊपर रखते ही मैं भाव विभोर हो गया हूँ, मेरे आंखों से निर्जल आंसू बह रहे हैं और मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। और इतना दूर मैं जब 2 वर्षों में जो आपसे रहा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे अपने जीवन पर्यंत जुड़ा रहना चाहता हूँ, चाहे दूर रहूँ चाहे नज़दीक रहूँ। और
हम चाहते हैं आप हमारी जीवन की रक्षा करें, जिससे हम अपने आगे के कुछ वर्षों में हम देश के लिए, समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए कुछ कार्य, अच्छे कार्य कर सकें। इसके लिए आज हमको आप आशीर्वाद लीजिए। हमारे आंसू रुक नहीं, मैं भाव विभल हूँ और आपके प्रश्नों के उत्तर सुन करके मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। मेरे स्वयं स्वतः आंसू निकलने लगते हैं और मैं आज पश्चाताप करने आपके पास आया हूँ। जैसा आप उचित समझे आप वैसा आशीर्वाद हमें दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कल प्रश्न पूछूंगा महाराज। ठाकुर साहब का भाव आप लोगों ने देख लिया। ये पिछले 6 वर्षों से जुड़े हैं और ये प्रायः हर महीने आते रहे। ये कोविड काल में एक लंबा अंतराल हुआ और बड़ी प्रबल भावना इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ घटित हुआ और ये न केवल खुद जुड़े अपितु अपने सारे भाई बंधुओं को भी जोड़ते आए हैं। जब आते एक नए को लेकर के आते हैं। इनके हृदय में समाज के कल्याण करने के बहुत सारे भाव हैं। मेरा उनको आशीर्वाद है और मैं यही कहूँगा जीवन के इस चौथे पन में आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, अपने समय, शक्ति और संसाधन को अच्छे कार्यों में लगाओ। हमारा समय व्यर्थ में न जाए, हमारी शक्ति विखंडित ना हो और हमारे संसाधनों का हम सही उपयोग कर सके। ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आप इस दिशा में लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहे। ये कोविड के इस महामारी ने अनेक लोगों की भावनाओं को दबाया है। बहुत सारे भक्तों को भगवान भी छूट गए, गुरु भी छूट गए, कईयों का तो सब कुछ छूट गया। तो ठीक है, समय बदला है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, अगर हृदय में श्रद्धा है तो न हमसे गुरु दूर हो सकते हैं, न प्रभु दूर हो सकते हैं। सब हमारे पास है, सब हमारे साथ है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान जयप्रकाश जी, श्रीमती शकुंतला जी जैन कोलकाता से, जो इनके बड़े भाई हैं, और तैयार हैं जय सिंह जी सेंगर रायबरेली। सीखता कीजिए। दोनों गुरु जी को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरु जी, मैं आज तक अपने जीवन में अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, हित मित्र, हर तरह के लोगों का जो भी हो सकता है, उनके सुख में, दुख में, हर तरह की भलाई जो होती है मैं करता आया। लेकिन मुझे समय समय पर अपने ही लोगों से बहुत तरह से उनसे धोखा मिलता रहा, लेकिन फिर भी परमात्मा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा और मैं हर उभरता गया और मेरी तरक्की भी होती गई। लेकिन आजकल जो इस उम्र में, मैं 75 साल का हो गया हूँ, इस उम्र में भी कुछ अपने लोगों से इतना धोखा मिला और इतनी तकलीफ मुझे होती है कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। पहले तो मैं भगवान का हमेशा भगवान कृष्ण का उपासक हूँ और साथ ही बजरंग बली का भी, लेकिन उनकी प्रेरणा से मैं हमेशा उभरता जाता हूँ। लेकिन अब वो ये उम्र ऐसी हो गई है कि इसमें मुझे थोड़ा बर्दाश्त करना और सहनशीलता मैं नहीं सह पाता हूँ, इसलिए मुझे डिप्रेशन में जीना पड़ता है। देखिए, आपसे मैं इतना ही कहूँगा, जीवन के अतीत के अनुभवों को ध्यान में रखें और जैसे अब तक की सारी बाधाओं को पार करते हुए यहाँ पहुँचे हैं, आगे की भी बाधाएं पार हो जाएगी। हिम्मत रखिए। आशीर्वाद। नमस्ते। जय सिंह जी सेंगर से, सेंगर रायबरेली से, तैयार हैं दिनेश सिंह जी कोलकाता से। दोनों गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम तथा सभी जनों को सादर प्रणाम। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही प्रश्न चलता है। मैं रतनाम में भी आपसे यही पूछा था कि मेरी पैदाइशी क्यों है, मेरा जन्म क्यों है इस धरती पे, मैं अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पाया। मेरे दिमाग में यही बात चलती रहती कि मैं आया क्यों हूँ। अगर प्रभु कृपा करे
तो शायद मेरा कुछ ज्ञान इसके ऊपर में। बिल्कुल ठीक बात है, ये सवाल आना बहुत अच्छी बात है। मेरा जन्म क्यों हुआ, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप गांव से जुड़े हों, किसानी का अनुभव तो होगा ही। धरती पर बीज क्यों बोया जाता है बताइए, धरती पर बीज क्यों, ताकि दूसरे को उसका फल मिल सके। बीज केवल इसलिए बोया जाता है कि ये फले, हमारा जन्म केवल इसलिए हुआ है कि हमारा जन्म फले, इसे हम सफल बनाएं, व्यर्थ ना होने दें। नर जन्म हमने पाया है तो नर जन्म को सफल बनाओ, और सफल कब बनेगा, जब हम जीवन में जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करेंगे, स्वपर के हित में लगेंगे, तो हमारा जीवन सफल होगा। ये सुविधा केवल मनुष्य को है, अन्यों को नहीं, इसलिए हम उसका लाभ उठाएं और तदनुरूप अपने जीवन को ढालें। आइए श्रीमान दिनेश सिंह जी एवं कृष्णा सिंह जी कोलकाता से, और तैयार रहेंगे संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी जैन के सुपुत्र एवं पुत्र वधु आशीष जी, अनामिका जी, अपनी बुआ व्रती बहन पुष्पा जी के साथ। परम पूज्य मुनि महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम और आशीर्वाद की आशाएं, जो कि जीवन को हमेशा प्रफुल्लित करती हैं। इस बात का हमेशा एक शंका बना रहता है और इसका समाधान हम नहीं निकाल पाए। आपको रतलाम में भी ये बात बोले थे, आपने बोला, फिर हमने उस चीज़ को फॉलो किया, लेकिन आप ऐसे लोगों के संगत में रह करके और अच्छे लोगों के संगत में रह करके लोग रहते हैं, लेकिन लास्ट में पता लगता है कि उनका स्तर इतना नीचे है जिससे कि कष्ट होता है मन को, और वो सुधर नहीं सकते हैं, चाहे बार बार ही प्रयास किया जाए। जैसे हमारे पूज्य बाबू जेपी सिंह, सुरेंद्र बाबू अच्छे अच्छे लोगों को हेल्प करते हैं, लेकिन पता लगता है कि फिर वही धाराएं बह रही हैं जिससे कि गंदगी ही बढ़ती जा रही है। चंदन के आदर्श को अपनाओ, चंदन विश्वव्यापे नहीं लिपटे रहे भुजंग, स्वाभाविक होगा, चंदन में ही सर्प लिपटता है, नीम पे थोड़ी। आ गई समझ में, होने दो, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, होगा, इसे स्वीकार करो। आइए गुणातन के समय संरक्षक श्रीमान विजय कुमार जी और कृष्णा जी, कृष्णा सिंह जी प्रस्तुत हों, उपस्थित हों और तैयार हैं। स्वामी जी को नमस्ते, नमस्ते। स्वामी जी, हम विधायक जी के साथ आदरणीय ठाकुर सुरेंद्र बहादुर सिंह विधायक जी के साथ आए हैं रायबरेली से, और इनके सानिध्य में हम लोग इन्हीं के लिए ये चाहते हैं ये स्वस्थ रहें, और जनपद का, प्रदेश का, और जहां पर आए हैं यहां की हम लोग सेवा करते रहें। स्वामी जी, चींटी से लेकर के और हाथी तक हम लोगों का और हमारा स्वयं का मन लगता है कि इनकी सबकी सेवा में मन बना रहे। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, और ये मन जो है कहीं अच्छे कार्यों में आपके आशीर्वाद से अच्छे कार्य करते रहें। हमारे विधायक जी, हम लोग इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते, नमस्ते। ठीक, आशीर्वाद। हाँ, श्रीमान विजय कुमार जी जैन वृद्धि बहन पुष्पा जी के साथ एवं परिवार के साथ, अनामिका जी, आशीष जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, तैयार रहेंगे। श्रीमती धनका जी पाटनी रांची। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि एक जीवन साथी को अपने व्यवसाय और परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बना के चलना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। अब मुझे लगता है ये सवाल आपका नहीं, आप जैसी अनेकों का होगा। प्रायः महिलाओं को इसकी शिकायत रहती है, व्यापार व्यवसाय करना जरूरी है, लेकिन सदैव एक बात का ध्यान रखना चाहिए, व्यापार परिवार के लिए है, परिवार व्यापार के लिए नहीं। अगर व्यक्ति अपने व्यापार में इतना लीन हो जाए कि घर परिवार के लिए ही समय न दे पाए तो ठीक बात नहीं।
हमारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी बननी चाहिए कि हम सब कुछ व्यवस्थित कर सकें। अगर मनुष्य व्यापार के व्यामोहों में अपनी निजता को खो देता है तो मेरी नज़र में वो बड़े नुकसान में जीता है। मैं कहूँगा, एक बार की बात है, एक परिवार यहाँ मेरे पास बैठा था, बहुत पहले की बात है। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी इन्हें समझाइए, इनको बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, हमारे बच्चे हफ्ते हफ्ते इनकी शक्ल नहीं देख पाते। मैंने उसकी तरफ देखा, बोला महाराज सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ, सब इन्हीं लोगों के लिए तो करता हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, महाराज जी हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें तो हमारा पति चाहिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा पति चाहिए। तब मैंने उसे समझाया कि देख भाई, व्यापार अपनी जगह है पर व्यापार ही सब कुछ नहीं होना चाहिए। तुम कितना भी जोड़ोगे, एक दिन छोड़ के जाओगे। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए जो जोड़ा, जो तुम्हें सौंपा, आज तुमने अपने हुनर से उससे ज़्यादा बना लिया। पिता भी छोड़ के गए, तुम्हारे पास जो है उसे कई गुना बनाकर तुम भी छोड़ के जाओगे, लेके कोई नहीं जाएगा। प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, बच्चों के लिए समय मिलना चाहिए। एक बार मेरे पास एक परिवार आया, युवा उद्यमी था, उनके साथ बच्चा था। मैंने पूछा, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? पिता ने कहा सातवीं। बेटे ने कहा नहीं पापा, पाँचवीं। जिस बाप को ये पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी विफलता है। खैर, मैं नहीं समझता कि आशीष के साथ ऐसा होगा। थोड़ी बहुत शिकायतें तो सबके साथ रहती है, लेकिन नहीं, हमें अपने बिजनेस लाइफ के साथ, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ, सब में सामंजस्य बिठा के चलना चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए कि सब कुछ व्यवस्थित होकर के चलता रहे, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई का एहसास ना हो, तब ठीक होगा। एक बात ध्यान रखना, इन बच्चों के लिए यदि कुछ निवेश करना चाहते हो तो सबसे बड़ा निवेश है इनके लिए समय और संस्कारों का निवेश। अगर आज अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए, उन्हें संस्कार नहीं दे पाए, तो तुम्हारे द्वारा जोड़ी हुई संपत्ति कोई काम की नहीं होगी। वही हाल होगा जो विजयपत सिंघानिया के साथ हुआ, सबने सुना ना, 5-7 साल पहले की घटना। विजयपत सिंघानिया ने जीवन में अपार संपत्ति जोड़ी, अंत में उसे एक फ्लैट में रहना पड़ रहा है। क्या दुर्दशा हो गई! उसने कहा कि मैंने अपना जितना समय और शक्ति संपत्ति को जोड़ने में लगाया, यदि वो संस्कार डालने में लगाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि पैसा कमाना एक ज़रूरत नहीं, एक अवस्था में आने के बाद पैसा कमाना एक पैशन बन जाता है। पैसा कमाने का पैशन होना मेरी नज़र में बुरा नहीं, पर पैसा को नशा बना लेना ठीक बात नहीं। इसलिए कुछ सावधानियां सभी को रखना चाहिए, खासकर मैं युवा उद्यमियों से कहता हूँ। इसके कारण घर परिवार में बड़ी बुरी दशा होती है। और मैं एक बहुत दर्दनाक बात आज आप सबके सामने कहना चाहूँगा, खासकर उन युवा उद्यमियों से जो केवल पैसे को ही अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। एक व्यक्ति जिसका रियल एस्टेट का कारोबार, देश के कई महानगरों में उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलते थे, उसके घर में उसकी धर्मपत्नी थी, बच्चे सब बाहर पढ़ते थे, माता पिता परलोक पहुंच चुके थे, कोई नहीं, अकेले, और वह प्रायः बाहर जाता। अब धीरे धीरे पति के बाहर रहने, महीने में जो हफ्ता हफ्ता बाहर रहे, कभी कभार आए, घर में एक नौकर था,
पत्नी का दिल नौकर से लग गया, पत्नी का दिल नौकर से लग गया। और एक दिन नौकर और पत्नी दोनों ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, टुकड़े टुकड़े में बांट दिया, एक बोरी में भरा और उसे जाकर एक जगह दफना दिया। आप सबको पता है ये आज से लगभग 8 वर्ष पुरानी घटना है, पूरे देश में प्रकाशित हुई है। आप सबको पता होगा, मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता, ये नागपुर के आसपास की घटना है, बहुत पहले ये घटना हुई, हमने तो अखबारों के माध्यम से जो मुझे जानकारी दी गई उस हिसाब से बता रहा हूँ। टुकड़े टुकड़े कर दिए, किस काम का? अगर वो व्यक्ति पैसा कमाने के साथ साथ परिवार को भी ध्यान में रखा होता तो ये दुर्दशा नहीं हुई होती, सब खो जाता है। इसलिए पैसे को जीवन निर्वाह का साधन मानना, साध मानने की चूक मत करना, अन्यथा सब कुछ खो जाएगा। व्यापार बढ़े बढ़ाओ, लेकिन परिवार मेरी पहली प्राथमिकता हो, तभी जीवन आगे कुछ अच्छा हो पाएगा। उपस्थित हूँ श्री का श्रीमती पाटनी महाराज से, हमारे यहाँ संस्कार देने के लिए हमारे लिए बुआ जी हैं, ये हमारे पूरे सतना समाज को बिल्कुल संस्कार दे रही हैं और बिल्कुल इनका हाथ हम लोगों के बच्चों में हम में सब में है और यही हम लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। देख आशीष, बहुत अच्छी बात है, तेरे परिवार और तेरे संस्कार के लिए मुझे कोई संशय नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, बुआ जी अपना काम कर रहे, तुम्हें अपना काम करना होगा। अगर तेरे पिताजी ने तुझे भी केवल बुआ जी के भरोसे छोड़ दिया होता तो तू यहाँ नहीं होता। आज जो तू पिता का सेवक बना है उसके पीछे तेरे माता पिता की भी भूमिका है, समझ गए? तो तेरी भूमिका रहेगी तो कल तेरी संतान तेरे लिए वो आदर्श उपस्थित करेगी जो तेरे अंदर है। बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए ससुराल का चंदकली पाटनी नाती से, और तैयार हैं गणतंत्र प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थ कासलीवाल कानपुर से, तो निरंतर अथक परिश्रम में लगे हुए व्यवस्थाओं करने में, व्यवस्था बनाने में, ऐसे सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक के रूप में आज यहाँ पे हैं, अपने प्रश्न लेकर प्रस्तुत होंगे। सिद्धार्थ जी कासलीवाल के चरणों में नमस्तु। महाराज श्री, मनुष्य के विचार कितने भी उत्तम हो, अगर वो व्यवहार में नहीं बोलते तो उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, तो कुशल व्यवहार कैसे निभाए? कितने भी उत्तम विचार हो अगर व्यवहार में न दिखे तो उसका कोई अर्थ नहीं। आपने पूछा कुशल व्यवहार कैसे निभाए, देखिए अपने विचारों को साकार करने के लिए संकल्पित हों, बार बार दोहराएं, अपने विचारों के विषय में सोचें। यदि हम विचारों को साकार करने के लिए संकल्पित होते हैं और अपने व्यवहारों को बार बार अपने विचारों से तौल कर देखते हैं तो हम अपने व्यवहार को न केवल विशुद्ध बना सकते हैं अपितु व्यवहार कुशल भी बन सकते हैं। उत्तम जीवन को निभाने के लिए हमें उत्तरोत्तर इस तरफ दृष्टि देनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी आत्म समीक्षा करनी चाहिए, तब हम कुछ अच्छा घटित कर सकें। उपस्थित श्रीमान सिद्धार्थ जी कासलीवाल प्रशासक गुणायतन कानपुर से, जो अपनी इस यहाँ की व्यवस्थाओं में अनवरत रूप से लगे हुए हैं, सिद्धार्थ जी कासलीवाल, और तैयार हैं यूएसए नियाग्रा फॉल बटालो से श्रीमान अतुल जी जैन। अतुल जी जैन बटालो नियाग्रा फॉल यूएसए। सिद्धार्थ जी व्यस्त हैं, अतुल जी को आ जान दो, आ जाइए अतुल जी, आइए। सिद्धार्थ जी बहुत जी तोल मेहनत कर रहे हैं, यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, एक बार उनके लिए कर्तव्य ध्वनि से तालियां कर दो, आइए अतुल। ओ और तैयार हैं रुचि जैन दिल्ली गिन पार दिल्ली से, रुचि जी जैन। अतुल जी जैन प्रमाणिक समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में निरंतर कार्यरत हैं, इनकी सेवाओं के लिए आप तालियां बजाकर अभिनंदन कर ही दीजिएगा। श्रीमान अतुल जी जैन बटालो नियाग्रा फॉल यूएसए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कल आपके शंका समाधान में एक उद्बोध सुना था कि जो होना है जैसा होना है वो भी एक एकांत है और इसको भी हम सुधार सकते हैं और इसमें भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो इस दृष्टि में हम कैसे वो परिवर्तन कर सकते हैं, वह क्या चेंज कर सकते हैं, इसके लिए मार्गदर्शन चाहिए। जो होना है वही होगा, ये एकांत, क्योंकि यदि इसे हम मान लें तो एक ही सवाल होगा और एक ही उत्तर होगा, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा होना था। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं होना था।
वही सवाल वही उत्तर, ये ठीक नहीं। जैन धर्म के अनुसार कार्य की उत्पत्ति कारण के अनुसार होती है। कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमश्च, कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। आप जैसी कार्य सामग्री रखोगे वैसा कार्य होगा। आज आपका सवाल आपके होनहार के कारण नहीं आया, आपने कुछ एफर्ट किया तब ना आया, हाँ, और उसमें भी मुझे लग रहा है कि कहीं और दूसरा आ जाता तो शायद कट जाता। तो ये आपका भाग्य था कि आपको लिए लाइन क्लियर मिल गई, मौका मिल गया। हमारे हाथ में प्रयत्न है और हमें अपने प्रयत्न को जारी रखना चाहिए, परिणाम को परिणाम पर छोड़ देना चाहिए, तब कुछ अच्छा करता है। आशीर्वाद।